हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विजय माल्या ने संसद में अरुण जेटली को बताया था कि वो लंदन के लिए रवाना हो रहा है, कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी। भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले विजय माल्या ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर बड़ा आरोप लगाया है। माल्या ने कहा कि भारत छोड़ने से पहले उसने मामला सुलझाने के लिए वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। वेस्टमिंस्टर में प्रत्यर्पण की सुनवाई के बाद माल्या ने कोर्ट के बाहर कहा, भारत छोड़ने से पहले मामले की निपटारे के लिए मैं वित्त मंत्री से मिला था। मैंने बैंकों के साथ मामला सुलझाने के लिए दोबारा ऑफर भी दिया था। बैंकों ने निपटारे के प्रस्ताव वाली मेरी चिट्ठियों पर आपत्ति दर्ज की थी। विजय माल्या के इस बयान के बाद बीजेपी को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दल के नेता इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। विपक्षी दल के नेताओं के साथ ही अब बीजेपी के अपने नेता ने भी इस पर संदेह जाहिर किया है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मसले पर ट्वीट कर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, विजय माल्या के देश से भागने से जुड़े अब दो फैक्ट हमारे सामने हैं, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। पहला, 24 अक्टूबर 2015 को माल्या के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस को ब्लॉक से रिपोर्ट में बदल दिया गया, जिसकी मदद से विजय माल्या 54 लगेज आइटम लेकर भागने में फरार हुआ। स्वामी ने जेटली पर सीधा आरोप लगाते हुए दूसरा फैक्ट बताया। विजय माल्या ने संसद के सेंट्रल हॉल में वित्त मंत्री अरुण जेटली को बताया था कि वो लंदन के लिए रवाना हो रहा है। बता दें कि इससे पहले भी स्वामी इस मसले पर अपनी सरकार को घेर चुके हैं। इसी साल जून में उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, माल्या भारत छोड़ ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके खिलाफ कई नोटिस एयरपोर्ट्स पर लगे थे। फिर वो दिल्ली आए और किसी शक्तिशाली शख्स से मुलाकात की और उनके विदेश प्रस्थान करने से पहले सारे नोटिस एयरपोर्ट से हटा लिए गए। आखिर कौन था वो शख्स जिसने उसे जाने दिया? गौरतलब है कि मार्च 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर भागे थे। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ही थे। उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आरोप लगाते हुए कहा था कि माल्या भारत छोड़ने से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता से मिले थे। सिर्फ अरुण जेटली ही नहीं बल्कि पूरी भाजपा को विजय माल्या के साथ संबंधों की बात को स्वीकार करना चाहिए। भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले विजय माल्या ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर बड़ा आरोप लगाया है। माल्या ने कहा कि भारत छोड़ने से पहले उसने मामला सुलझाने के लिए वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। वेस्टमिंस्टर में प्रत्यर्पण की सुनवाई के बाद माल्या ने कोर्ट के बाहर कहा, भारत छोड़ने से पहले मामले के निपटारे के लिए मैं वित्त मंत्री से मिला था। मैंने बैंकों के साथ मामला सुलझाने के लिए दोबारा ऑफर भी दिया था। बैंकों ने निपटारे के प्रस्ताव वाली मेरी चिट्ठियों पर आपत्ति दर्ज की थी। विजय माल्या के इस बयान के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, सिर्फ वित्त मंत्री ही नहीं बल्कि पूरी भाजपा को विजय माल्या के साथ अपने संबंधों की बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। गौरतलब है कि मार्च 2016 में विजय माल्या भारत छोड़कर भागे थे। उस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ही थे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आरोप लगा चुके हैं कि माल्या भारत छोड़ने से पहले वरिष्ठ भाजपा नेता से मिले थे। हालांकि अरुण जेटली ने विजय माल्या के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने इस मामले पर सफाई देते हुए फेसबुक पर लिखा, माल्या का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। 2014 से अब तक मैंने कभी भी उन्हें मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट नहीं दिया। ऐसे में मेरी उनसे मुलाकात का सवाल ही नहीं उठता है। जेटली ने लिखा, राज्यसभा सदस्य होने के नाते एक मौके पर माल्या ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए मुलाकात की कोशिश की थी। एक दिन सदन से मैं अपने कक्ष की तरफ जा रहा था, तभी माल्या तेजी से मेरी तरफ बढ़े और कहा कि मैं सेटलमेंट का ऑफर कर रहा हूँ। वित्त मंत्री ने आगे लिखा, सेटलमेंट के उनके झूठे वादों के बारे में मैं पहले ही सुन चुका था, तो इसलिए वो बात आगे बढ़ाते इससे पहले ही मैंने उन्हें रोकते हुए कहा कि मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, उन्हें बैंकों को ये ऑफर देना चाहिए। उस वक्त माल्या के हाथ में कुछ पेपर्स थे जिन्हें लेने से मैंने साफ इनकार कर दिया था। प्रशांत भूषण का दावा, राफेल सौदे में अनिल अंबानी को कमीशन के रूप में मिले 21,000 करोड़ रुपए। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दावा किया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदे में अनिल अंबानी की कंपनी को 21,000 करोड़ रुपए केवल दलाली यानी कमीशन के रूप में दिए गए हैं।
उन्होंने कहा है कि ये इतना बड़ा घोटाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑफसेट करार के जरिए अनिल अंबानी के रिलायंस समूह को दलाली यानी कमीशन के रूप में 21,000 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने इस सौदे से जुड़ी कथित दलाली की 1980 के दशक के बोफोर्स टॉप सौदे में दी गई दलाली से तुलना की। अंबानी ने इससे पहले आरोप से इनकार किया था। भूषण ने आरोप लगाया कि भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने केवल सौदे में अनिल अंबानी की कंपनी को जगह देने के लिए राष्ट्र सुरक्षा से समझौता किया, भारतीय वायुसेना को बेबस छोड़ दिया। उन्होंने कहा, राफेल सौदा इतना बड़ा घोटाला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बोफोर्स 64 करोड़ रुपए का घोटाला था जिसमें 4% कमीशन दिया गया था। इस घोटाले में कमीशन कम से कम 30% है। अनिल अंबानी को दिए गए 21,000 करोड़ रुपए केवल कमीशन है, कुछ और नहीं। भूषण ने पूछा कि वायुसेना को 126 विमानों की जरूरत थी और उसने किस तरह अपनी जरूरत कम की और नए सौदे से तकनीक वाली उपधारा गायब होने पर सवाल किए। राफेल एक लड़ाकू विमान है, इस विमान को भारत फ्रांस से खरीद रहा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने विमान महंगी कीमत पर खरीदा है, जबकि सरकार का कहना है कि यही सही कीमत है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस डील में सरकार ने उद्योगपति अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया है। बता दें कि इस डील की शुरुआत यूपीए शासनकाल में हुई थी। कांग्रेस का कहना है कि यूपीए सरकार में 12 दिसंबर 2012 को 126 राफेल विमानों को 10.2 अरब अमरीकी डॉलर यानी कि तब के 54,000 करोड़ रुपए में खरीदने का फैसला लिया गया था। इस डील में एक विमान की कीमत 526 करोड़ थी। इनमें से 18 विमान तैयार स्थिति में मिलने थे और 108 को भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के साथ मिलकर बनाती। 2015 में मोदी सरकार ने इस डील को रद्द कर इसी जहाज को खरीदने के लिए 2016 में नई डील की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई डील में एक विमान की कीमत लगभग 1,670 करोड़ रुपए होगी और केवल 36 विमान ही खरीदे जाएंगे। नई डील में अब जहाज HAL की जगह उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी बनाएगी। साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं होगा, जबकि पिछली डील में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जा रही थी। मोदी सरकार की पीएम आशा योजना को योगेंद्र यादव ने बताया किसान विरोधी, कहा इसका मकसद प्राइवेट व्यापारियों को फायदा पहुंचाना है। मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आशा योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इसके जरिए प्राइवेट व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। किसानों को MSP के तहत फसलों का दाम दिलाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा को लेकर योगेंद्र यादव ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। सरकार के मुताबिक इस योजना की शुरुआत किसानों से फसल खरीद की प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए की गई है। इस योजना के तहत अगर फसल की कीमत सरकार द्वारा तय MSP के कम होगी तो भी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उनकी फसलों का दाम MSP के तहत मिले। ये मध्य प्रदेश की भावांतर योजना की तर्ज पर काम करेगी, जिसमें फसल की कीमत MSP से कम मिलने पर केंद्र सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। इस योजना को किसान विरोधी बताते हुए योगेंद्र यादव ने ट्विटर के जरिए कहा, आशा के बदले मिली हताशा। आशा योजना मोदी सरकार द्वारा किसान का एक एक दाना MSP पर खरीदने के वादे का उल्लंघन है। मोदी सरकार ने किसानों को किए एक और वादे को झुठलाया है। उन्होंने किसान की फसल खरीदने के लिए सरकार द्वारा घोषित फंड को अपर्याप्त बताते हुए कहा कि ये जरूरत के लिहाज से 30% भी नहीं है। केंद्र सरकार किसान की फसल का केवल 1/4 खरीद कर हाथ झाड़ लेगी, बाकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के सर पर छोड़ दी जाएगी। योगेंद्र यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में फेल भावांतर योजना को पूरे देश पर लागू करने की कोई तुक नहीं है। स्वराज इंडिया के नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस योजना के जरिए प्राइवेट व्यापारियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस योजना से पिछले दरवाजे से प्राइवेट व्यापारियों के हाथ सरकारी खरीद देने की शुरुआत है। योगेंद्र यादव ने आगे कहा, सरकारी खरीद के लिए देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का कोई उपाय नहीं सुझाया। ठेके और बटाई पर खेती करने वाले बहुसंख्यक किसानों के लिए अपनी फसल MSP पर बेचने की कोई अवस्था नहीं है।
आज छात्र संघ चुनाव जीतने के लिए भी ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के आ रहे नतीजों में रुकावट तब आ गई जब ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सामने आया। सेंट्रल पैनल के 5 पदों में से 2-2 पर बढ़त के साथ एनएसयूआई और एबीवीपी अपनी अपनी जीत की आस लगाई हुई थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे न सिर्फ छात्र संघ चुनाव में निष्पक्षता पर सवाल उठे बल्कि ईवीएम पर भी सवाल उठने लगे। दरअसल ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कुल 8 उम्मीदवार थे और 9वें नंबर पर नोटा का विकल्प था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात रही कि 40 वोट 10वें नंबर पर पड़ा, जो कोई विकल्प ही नहीं था। जब 10वें नंबर पर ना कोई कैंडिडेट और ना ही नोटा का विकल्प था, तो ये वोट कैसे जा रहा था? इससे सीधा सवाल उठता है, क्या ईवीएम टैम्परिंग करना इतना आसान हो गया है? इससे नाराज होकर कांग्रेस विधायक और एनएसयूआई के पूर्व राजस्थान प्रेसिडेंट धीरज गुर्जर लिखते हैं, छात्र संघ चुनाव में भी अगर ईवीएम से छेड़छाड़ करके चुनाव जीतने की कोशिश की जाए तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में तो ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब छात्र संघ चुनाव में भी इसके मामले आने लगे। ईवीएम से छेड़छाड़ करना बेहद आसान काम हो गया है। इसी से नाराज होकर तमाम विपक्षी दल अब ईवीएम से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। कुछ दिनों पहले अधिकतर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से बैठक करके ईवीएम के प्रति सहमति जताई थी। की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।